नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा वर्मा। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बुधवार से ही अभ्यर्थियों की जिलेवार काउंसलिंग शुरू हुई थी, जिसके तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर 13 काउंटर बनाकर काउंसलिंग शुरू किया गया था, लेकिन न्यायालय का आदेश आने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इसके संबंध में बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि 3 से 6 जून तक काउंसलिंग होनी थी, जिसमें गोरखपुर में 1,246 पद पर काउंसलिंग किया जाना था, जिसमें लगभग 625 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग भी हो गया था, लेकिन उच्च न्यायालय के स्टे आदेश के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया है। अब अगले आदेश के बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक भर्ती पर रोक लग गया है। ये फैसला हाई कोर्ट ने अंसर सीट पर हुए विवाद को लेकर दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग करने वाले अभ्यर्थियों और बीएसए बीएन सिंह ने कहा, आवेदन पत्र ड्राफ्ट और कितना का लिखना है वही पीछे पीछे रहेगा ना। एक पीएल को पहले ही मना वाला पास से पिछले खत्म हो फिर तो बना है नियुक्ति के लिए रुपया जब नियुक्ति पत्र मिलता है तो 11 दूरी बनाइए आप लोग। देखिए ये पड़ेगा ना, देखिए भाई आप जो पीछे पेंटिंग है वो भी निकालते रहिए। ओरिजिनल आप यूज किया तो 9210। आप काउंसलिंग कराने आए हैं तो बाहर जाइए ना यार। भाई जी चलिए बाहर निकलिए, पता नहीं क्या करो सब लोग। देखो मना कर रहे सर, ये लोग क्या मना कर रहे हैं तुम लोग पूरा। अरे चल जाते का तो कुछ फ्लिप कर रहे हैं सर, कुछ कर रहे हैं वो चलते हैं साहब। हम जाते हैं बाद में बात सुनो। हम आए सामने भाई जो है तुम्हारा सब दो साल में तैयार ही बांध देखी पाने जी सुनो होना खतरे में आते थे छुट्टी में। मीनाक्षी त्रिपाठी काउंसलिंग में 69,000 की काउंसलिंग किस पद के लिए हो रहा है? अरे सहायक अध्यापक के लिए। कब भरी थी हाँ? कितने दिन पहले फार्म भरी थी? अरे हम फार्म भरे थे आपका 15 महीना पहले ही भरे थे। भूल गया इतना स्ट्रगल करने के बाद। हाँ भरे 18 महीना हो गया, मामूली थोड़ी ना होता है। गोरखपुर से बासगांव काउंसलिंग कराने। किस चीज़ काउंसलिंग?
शिक्षक भर्ती। सबसे आप फॉर्म भरे थे इसके लिए, सबसे अप्लाई की? अप्लाई हम लोग 20 तारीख 2018 में किए थे। 2018 में चला प्रक्रिया? हाँ। क्या नाम? अनुपमा सिंह। कहाँ से आई हैं? यही गोरखपुर बिछिया से। काउंसलिंग के लिए? हाँ। किस चीज़ का काउंसलिंग है? शिक्षक भर्ती। सबसे चला? चला जिस आज पहला दिन है काउंसलिंग का। फॉर्म भरी थी कब से? फॉर्म ये एग्जाम 6 जनवरी से अटका हुआ था, अब जाके रिजल्ट आया और अब फाइनली हम लोग काउंसलिंग के लिए। आप शिक्षक जो काउंसलिंग कराए थे 1246 पद हमारे यहाँ थे, जिससे सापेक्ष 13 काउंटर मेरे द्वारा बनाए गए थे और वो काउंसलिंग सक्सेसफुल चल रही थी। उसी बीच माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश आ गया, चूँकि माननीय न्यायालय ने विभाग को किया था तो विभाग से संदेशा मिलते मिलते आदेश आते आते लगभग 3:15 के आसपास आदेश मिला। जैसे ही आदेश मिला तो तुरंत स्थगित हो गया। तब तक लगभग 625 लोगों ने हमारे यहाँ काउंसलिंग करा लिया था। उनके रिकॉर्ड फिलहाल अभी चूँकि सारे लोग करा करके चले गए थे, रिकॉर्ड उनके सारे सुरक्षित पड़े हुए हैं। जैसे उनकी ज़रूरत होगी या शासन का निर्देश या कोर्ट का जो निर्देश होगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने दिनों तक होना था काउंसलिंग? काउंसलिंग तो वैसे 3 से 6 तक, 3, 4, 5, 6 होना था और अगर सब सल संपन्न होता तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते, कल तक हमारी काउंसलिंग खत्म हो गई होती। लेकिन अब तो माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में जब भी होगा डेट तब होगी।